सुनिए, यहाँ स्कूल टीचर रहती है रेनू जी, क्या उसके मकान का नंबर बता सकते हैं? रेनू जी, ओ लंबी चोटी गोल टिक्का, वो जब हंसती है तो गाला में दो खूबसूरत गड्ढे पड़ते हैं। हाँ जी हाँ, उनके मकान का नंबर चाहिए? अपना नंबर तो बता दीजिए जी। मैंने कहा आपका नंबर क्या है? क्या मतलब? यहाँ सब उम्मीदवारों के नंबर लगेंगे। पहला नंबर एक लंबू का है, अलबत्ता वो इस महल्ले का नहीं, कभी कभी उन्हें छोड़ने आता है। दूसरा नंबर मेरा, तीसरा मेरे ये दोस्त, हम सबके नंबर लगेंगे। आपको लाइन माननी है तो आप भी लाइन में आ जाइए। ओ यस यस, अब तो नंबर बता दो। 25। 25, थैंक यू। अरे ओ साहब, आपका नंबर? जी मुझे पूरा 10 नंबरी कहते हैं साहब, 10 नंबरी। आने दो वापस, हम नंबर लगाते हैं। माँ जी, वाह वाह, ये हुई ना बात। माँ हो तो ऐसे देखते ही आदमी पहचान जाए। आप रेणु जी की माता जी? हाँ। माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती माँ जी, रेणु जी जानती हैं, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। वो तो देर से आएगी बेटे, इसलिए तो मैं जल्दी से आ गया माँ जी। अरे ये नीचे क्यों बैठ गए? तो क्या हो गया, आप बैठे ना, बैठे बैठे। माँ जी मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम? एक जमाने में ये काम नाई किया करते थे माँ जी, आजकल भाई करते हैं। मैं समझी नहीं। मैं रेणु जी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ, मैं उन्हें अपनी भाभी बनाना चाहता हूँ। इसमें मैं क्या कहूँ बेटा, इसका फैसला तो रेणु ही करेगी। आजकल वो जमाना तो रहा नहीं, माँ बाप ने वर चुन लिया और बेटी चुपचाप डोली चल गई। आजकल तो लड़का लड़की देख न ले जब तक। मैं सब जानता हूँ माँ जी, सब जानता हूँ। दरअसल लड़की ने लड़के को देख लिया और लड़के ने लड़की को। अरे तो सच पूछिए माँ जी, तो उन दोनों को देखते हो, मैंने भी देख लिया था, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। लड़की को मैंने और रघु काका ने देख लिया, अगर आप लड़के को देखना चाहती हैं तो बड़े शौक से देखिए, डॉक्टर है। और जब भाभी को, मेरा मतलब है कि जब कन्या को निमोनिया हुआ था तो उसी वर ने इलाज किया था। कौन? भास्कर? जी हाँ, मेरा भाई है भाई। सच बेटा, मेरे नसीब में इतना सुख है। भास्कर तो लाखों में एक है, रेणु तो उसकी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है। बस फिर तो जम गया मामला। सॉरी माँ जी, सॉरी, मेरा मतलब तो समझ ही गई होंगी माँ जी। समझती तो हूँ बेटा, अगर वो दोनों राजी है तो ठीक है, लेकिन तुम उसके भाई हो इसलिए कह देती हूँ। दान दहेज देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है माँ जी, लड़के के पास भी क्या है देने के लिए? हाँ, एस्प्रिन या पेनिसिलिन। तो रिश्ता नक्की, बात पक्की, तो लाइए पंचांग, 7 दिन के अंदर अंदर मुहूर्त निकलना चाहिए। लेकिन 3 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। 3 महीने? वो क्यों? रेणु के पिताजी को गुजरे अभी कुल 9 महीने हुए, इसलिए। ओ, फिर तो मुश्किल होगी, मैं तो शादी में शामिल नहीं हो सकूंगा। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ माँ जी, मैं तो महीने डेढ़ महीने में यहाँ से चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे बेटा? बहुत दूर माँ जी, बहुत दूर। तो शादी के लिए वापस नहीं लौटोगे? नहीं माँ जी, यही तो मुश्किल है, बहुत रश है वहाँ, और यहाँ से रिटर्न टिकट भी नहीं मिलती है? आप तैयारी तो कीजिए। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम। अरे अरे, मुंह तो पीछा करके जा। नहीं माँ जी, इतने सस्ते छुटकारा नहीं मिलेगा, बस 1-2 दिन में आता हूँ, बकायदा अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। हाँ खिलाएंगे ना माँ जी। बेटा तूने रेणु का रिश्ता लाया, बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ साथ जी भी घबरा रहा है। एक ही तो बेटी है, उसके बगैर रहूंगी कैसे? लेकिन तुझे देख के ऐसा लगता है कि बेटी तो पराई हुई, लेकिन मुझे बेटा मिल गया। भगवान करे तू 100 साल जी। समारी भाई साहब, ये क्या मजाक है, इस तरह लाइन तोड़कर चले गए? क्या करूं यार, जाना पड़ा, इमरजेंसी केस था ना यार। अब तो लंबू के साथ इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अम्मा ऐसा करो, लड़की की टांगे तोड़ दो, ना वो कहीं जाएगी ना कोई आएगा। समझा, अब काफी समझदार मालूम होते हैं। उम्मीद है दोबारा इधर आने की तकलीफ नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप,
अब तो आना ही पड़ेगा, बड़ी तेज वाइब्रेशन आ रही। क्या? तो फिर मुलाकात होगी आपसे? मुलाकात नहीं, मुकालात होगी। मुकालात? मुकालात होगी मतलब? अबे मुकालात नहीं, मुकालात, मुकालात। ऐसा? अरे धमकी दे रहे साला। ओए की गाले मुंडे। नमस्ते जी। नमस्ते, की चाहिए दाई? धूल, धूल चाहिए थोड़ी सी। ओए इस पवित्र अखाड़े दी मट्टी नु धूल नहीं कहीदा? वो नहीं, थोड़े चरणा दी धूल चाहिए है। तुसी तो भगवान दी शक्ति दा रूप हो, अरे पूजा करनी चाहिए थोड़ी। जी उदारो, शागिर्द बनना ही। चल उतार कपड़े, बन लगोट ते लिया गुरुदक्षिणा। नहीं नहीं पापा जी, शागिर्द नहीं बनना मैंने। मैंने तो आपकी शक्ति देखकर आपके चरणों की धूल मांगी थी, वरना हम क्या कचरा। ना अपनी रक्षा कर सकते हैं, ना अपनी भैन भरावां दी। पर क्यों यार, कौन तेरी माँ भैन सतांदा है? पापा जी, कुछ लोग हैं इस मोहल्ले में जो खाम का फिक्र कसते रहते हैं। मेरी भाभी, नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरी होने वाली भाभी का घर आना जाना मुश्किल हो गया। ओए जीतिया, मैं होने आना। चल खाम खा, कौन फिक्र कसता है वो दी ते मैं। चल पापा जी। क्या लगाया? क्या लगाया पापा जी? नहीं नहीं पहले मुझे जाने दीजिए, फिर शुरू होती है। पापा जी जल्दी आना, टाइम पर आना, कहीं मेरी चटनी ना बन जाए। कोई तो यार दाल दाल कौन डर रहे हैं? जा जाओ, जा ना, जा रे। अरे फिर आ गया। कहिए हजरत, किससे मुकालात करने आए? हमसे या अपनी उस लैला से? पहले यहाँ थोड़ी रिहर्सल कर लिए तो अंदर आसानी होगी। हाँ हाँ हो जाए। ओ पापा जी, ओ पापा जी, पापा जी, ओ पापा जी, पापा जी, ओ पापा जी, पापा जी। इस बार की औलाद किसी की मां बहन को मछली करता? तुम क्या समझे दुनिया से मर्द मर गए? भैया से अच्छा इसको क्या कहते हैं? ड्रेन पाइप पैन। मतलब गंदी नाली। अबे सुन, तू ये पहना तो तुम्हें गंदी नाली में फेंक दूंगा। पापा जी थोड़ा जवाब नहीं, तुझे छा गए हो। पापा जी तुझे साक्षात भीम सैन हो। जीते रहो बेटा गुरु कच्छ। देवा माझा आनंद आता बर कर, मैं तुझ्याकडे भीक मागते, भीक मागते। सुमन ओ सुमन। क्या है भैया? ये लो, तुम यहाँ बैठकर भगवान से गप्पे लड़ा रही हो, मैंने सारा घर छान मारा। ये मिठाई लो। मिठाई किस बात की? बड़ 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 बड़। तुम बाबूशाही है ना, अच्छे हो गए। क्या हुआ था उन्हें? बड़ी सख्त बीमारी। ये तो शुक्र करो कि मैंने सिम्टम्स पहचान लिए और दवा को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं दवा को ढूंढ सका, दवा ने खुद मरीज को ढूंढ लिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, किसने ढूंढ लिया किसे? रेनू ने, बाबूशाही को। रेनू? कौन रेनू? बाबूशाही की दवा। ओहो, तुम कुछ नहीं समझते सुमन। ये अपने बाबू मोशाय ना, उन्होंने रेनू का इलाज किया, खुद बीमार हो गए इश्क में। आपने किससे सुना? घोड़े के मुंह से। क्या? आई मीन फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। देखो ना, दिन रात तुम लोग घूमते हो, तुम्हें नहीं पता चला, मैंने खबर कर ली। दरअसल तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है, भगवान से अपने लिए नहीं, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ मांगना चाहिए। लेकिन आज आज तो मैं ये सिर्फ अपने लिए मांग रही थी। क्या? अरे बोलना क्या मांग रही थी? समझा, खिलौने विलौने ले आओ। अरे मामा हूँ, मामा कोई मजाक थोड़ी है, नहीं तो भांजा क्या कहेगा? ए, क्या मांगा? भांजा या भांजी? लो शर्मा गई। अरे बोलना क्या मांगा, बोलना। अपने भाई की जिंदगी मांग रही थी। ओ, उस रास्कल ने सब बता दिया। सुमन, सुमन देख मेरी तरफ देख। छी छी, मेरी बहन होकर रो रही है, इतनी कमजोर। रोज भगवान की प्रार्थना करती है, यही शक्ति दी उसने। अरे पगली, मैं कब तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, उस डर से रो रही। आज आज तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है, उसे देखकर खुश नहीं हो सकती, हंस नहीं सकती।
आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। सत श्री अकाल। अरे ये आप कहाँ से सीखे? ये हमारे पहलवान दोस्त ने हमें सिखाया, बहुत ही शक्तिदायक बोल है। ए बाबू जी, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। आपके दोस्त से नहीं। आहिस्ता बोलिए, सुनेगा तो जलकर कबाब हो जाएगा। लो शैतान का नाम लिया, हाजिर हो गया। अरे तुम कब आए? नो नो बाबू मचाए, वापस जाओ वापस जाओ, रॉन्ग नंबर, ये मुझसे मिलने आएगा तुम्हें नहीं। बताइए ना, बताइए बताइए। आज तो मैं आपसे मिलने आई। करेक्ट, देखा जलकर खाक हो गया। मुरारीलाल जी, बाबू मचाए तुम भाभी से बात करो, मैं जरा मुरारीलाल से मिलकर आता हूँ। मुरारीलाल। ये मुरारीलाल जी कौन है? देखो देखो ना। अरे मुरारीलाल, यहाँ कहाँ? ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहान की तरह? पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था। अरे जयचंद, तुम हद हो गई यार, दो पैक भी दिल्ली छोड़ गए। दो थोड़ी यार, चार थे। लगी शर्त भैया, पैक तो दो ही थे लेकिन डबल। चलो एक डबल हो जाए। नहीं यार, मैंने पीना छोड़ दिया। तुमने? नहीं मियां, छुट्टी कहाँ है, ये काफी मुंह से लगी हुई। ए बाबूशे, इधर इधर इधर। अच्छा यार ये तो बताओ, शादीवादी की या छड़े के छड़े हो? नहीं मियां, जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं छोटी है, और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ, लगता है बड़ी है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो तो मीडियम साइज की थी। क्या है ना बाबू शाह, मैं तुमसे कहा था ना एक दिन हमारा मुरारीलाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया मुरारीलाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी, मैं नहीं क्या रहता हूँ। नमस्ते, मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जब से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए। इनका नाम जयचंद नहीं आनंद है। तो मेरा नाम भी मुरारीलाल नहीं, ईसा भाई है, ईसा भाई सूरत वाला, याद रखिए। आपका नाम तो भास्कर ही है ना? हाँ। अरे गुरुदेव कहाँ चले, मुझे तुम्हारी तलाश थी। मान गए गुरु, इसी बात पे कि पहला चाय बजे। नहीं चले, मुझे रिहर्सल पे जाना है। रिहर्सल? हाँ, अपनी नाटक कंपनी है। ड्रामा करते हो? हाँ। तो गुरुदेव मुझे एक रोल दे दीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर सकता हूँ। एक्टिंग का नमूना तो मैंने देख ही लिया है। फिर भी चलो। ए बाबू शाह, तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं गुरु की कंपनी से होकर आता हूँ। चलिए गुरुदेव। चलो चलिए।